कई सितारे भी सामने आए हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बताया है। कंगना, आपकी क्या राय है बतौर सिटीजन और बतौर एक्टर? वेल, मेरी राय तो इतनी लंबी चौड़ी है कि यहाँ पे सुबह हो जाएगी, बट आई ट्राई टू से समथिंग विच इज नॉट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द इवेंट। आई थिंक जब भी आप किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप वायलेंस को ना, आई थिंक हम लोगों की जो पॉपुलेशन है पूरा सिर्फ 3-4% लोग टैक्स देते हैं, बाकी उसी टैक्स के भरोसे रहते हैं। तो व्हाट गिव्स यू द राइट टू बर्न बसेज एंड ट्रेन्स एंड टू क्रिएट रकस इन द कंट्री, दैट शुड बी लुक्ड इनटू, क्योंकि एक बस 70-80-90 लाख की होती है, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और जो देश की हालत है, जितने लोग भुखमरी से मर रहे हैं एंड जितना लोग मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, इट्स नॉट वेरी रीजनेबल फॉर पीपल टू यू नो डू इंडल्ज इन वायलेंस। एंड व्हेन आई फील दैट डेमोक्रेसी के नाम पे वी आर स्टिल दिस माई वेरी पर्सनल ओपिनियन, वी आर स्टिल हंग ऑन टू प्री इंडिपेंडेंस एरा, जब हमारा देश परतंत्र था तो उस वक्त पे जो लोगों ने हमें कैप्चर किया हुआ था, चाहे वो आर्म्स के भरोसे या ज़बरदस्ती, तो उनके खिलाफ इस तरह की स्ट्राइक्स पे जाना, देश को बंद करा देना या टैक्स नहीं देना, ये सब बड़े कूल चीज़ें होती थी। मगर आज जो एक डेमोक्रेसी ने, कोई आपका जो लीडर आए हैं, कोई इटली से या जापान से तो आए नहीं हुए हैं, आप ही के बीच के इंसान हैं जो छोटे से छोटे जगह से उठ के अपने दम पे, अभी मी बीइंग कंगना रनौत, यू कैन नॉट से क्या एक फिल्म आपकी गलती से चल सकती है, दो फिल्में, मगर आप 10-15 साल सस्टेन कर रहे हो, यू हैव टू गिव मी दिस मच, आई एम हियर ऑन माई ओन मैरिट। तो वो डेमोक्रेसी नहीं है कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख के जो बता के जिन शर्तों पे उन्होंने सत्ता पाई है, अगर वो उसको पूरा कर रहे हैं तो क्या वो डेमोक्रेसी नहीं है? तो ये नहीं होता, यू कांट बी अ सोर लूजर। So, like I said, there is a lot to say, but it's better if we don't drift into a different direction and we stay where we are. Jassi? Banta hai sawal. I think I need somebody who's more intelligent than me, who's more beautiful than me and more talented than me.